नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर झारखंड पे है, जहां पर पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर चल रही है। झारखंड की सत्ता में वापसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतियों पर एक के साथ काम करना शुरू कर दिया है और इसमें परिवर्तन यात्रा से लेकर अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करना भी शामिल है। हालांकि पार्टी के लिए झारखंड की राह अभी आसान नहीं नजर आ रही। आदिवासी बहुल इस राज्य के अंदर मूल वोट की भारतीय जनता पार्टी से छिटक चुके हैं और इसमें वापस लाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासी करीब 26% है और राज्य के 5 में से 4 परिमंडल के अंदर आदिवासियों का दबदबा बना हुआ है। झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और इसी तरह लोकसभा की 14 में से 5 सीटें भी आदिवासियों के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो झारखंड की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास ही है और यहाँ पर 2005 से लेकर अब तक हर चुनाव के अंदर आदिवासी ही एक बड़ा मुद्दा रहा भी। झारखंड में अब तक बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन और मधु गुड्डा के साथ हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन और रघुवर दास ही मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास को छोड़कर बाकी सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 4 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन के साथ मधु कोड़ा अभी भी भारतीय जनता पार्टी में। झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है, साल 2000 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी बहुल 28 में से 11 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बूते पार्टी झारखंड में सरकार बनाने में कामयाब रही। बाबूलाल मराठे मुख्यमंत्री बन गए और 2005 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी बहुल इलाके में करारी शिकस्त मिली। पार्टी में 28 में से सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है और गठबंधन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हो गई और 2009 में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी बहुल की 9 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 की बात की जाए तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी वापसी की और फिर आदिवासी बहुल 28 में से 11 सीटों पर जीत अपनी कामयाबी के साथ दोहराई। भारतीय जनता पार्टी की इस बार झारखंड में गैर आदिवासी सीएम बनाने का प्रयोग किया और ओबीसी समुदाय के रघुवर दास मुख्यमंत्री बनाए गए। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैक फायर कर गए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी इलाकों में एक तरफा जीत हासिल की और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 में से 3 पर एनडीए की जीत मिली है। झारखंड में मुस्लिमों की आबादी करीब 14% है, जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। आदिवासियों के साथ मुसलमानों के मिलने से दोनों का प्रतिशत 40% के पार पहुंच जाता है और संथाल परगान और कोल्हान में आदिवासियों के साथ मुस्लिमों का भी दबदबा माना जाता। 2019 के चुनाव में दोनों ही इलाकों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी इस बार गठजोड़ को तोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। आदिवासियों को साधने के लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से गठबंधन के आदिवासी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद कर रही है, तो वहीं पर पार्टी लोकल स्तर पर आदिवासी नेताओं को भी जुटा रही। 2019 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी के बाबूलाल मराठी और चंपई सोरेन के साथ साथ लोबिन हेम्ब्रन और सीता सोरेन और मधु कोड़ा और गीता कोंडा को भी अपने पाले में लाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं के जरिए वो आदिवासी सीटों को जीतने में कामयाब होगी और चंपन सोरेन और बाबूलाल मराठी और मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आजसू और जेडीयू गठबंधन का कांग्रेस और झामुमो के साथ आरजेडी गठबंधन से होने वाला। झारखंड में इन दोनों गठबंधन के अलावा जेकेएलएम जैसी पार्टियां भी मैदान में उतरने वाली हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई हैं। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है और 2019 में झामुमो और कांग्रेस से गठबंधन को 47 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट गई थी।
बहरहाल अभी देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता किसको सरकार बनाने का मौका देती है और किस अलायंस को इस बार बहुमत मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।